नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली नजफगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 20 अक्टूबर 2013 को ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी पूजा करते थे और इनमें से सर्वश्रेष्ठ शंकर जी को मानते थे। इनकी भक्ति करते करते यानी हमारे पापा के ऊपर 6-7 लाख का कर्ज हो गया था। हम 10-10 रुपए के लिए तरसते थे उनकी भक्ति करते करते। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे यहाँ पे एक अंकल रहते थे राकेश दास, और उन्होंने मेरे पापा को बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले जाओ, आपकी सभी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। तो मेरे पापा को ज्ञान गंगा दी पुस्तक, तो मैं एक एक अक्षर पढ़ पढ़ के पापा को सुनाया करता। तो पापा बोले कि ना इन गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं भी चलूँगा। तो आए हम सतलोक आश्रम बरवाला में आए। पहले हम भक्तों से बोले कि ना हमें बाबा जी से मिलना है, गुरु जी को बोले कि बाबा जी से मिलना है। तो वो भगत सब बोले कि बाबा जी नहीं बोलते, संत रामपाल जी महाराज हैं उनसे। हमने कहा हाँ गलती हो गई, तो उनसे मिलना। तो पहले बोले कि नाम दीक्षा लो, जब जाके मिलो। तो हमने कहा कि हमें हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो वो भगत जी बोले कि ना पहले नाम दीक्षा ले लो, संत रामपाल जी महाराज सभी परेशानियां दूर करेंगे। तो हमने नाम दीक्षा ली, मेरे पापा ने नाम दीक्षा ली 20 फरवरी 2013 को नाम दीक्षा ली। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जिस परेशानियों के लिए आप गए थे, आप पे इतना कर्जा था, आपके पापा पे इतना कर्जा था, तो क्या वो परेशानी आपकी दूर हुई? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए। हमें मेरे पापा के ऊपर 6-7 लाख रुपए का कर्ज था, वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। हम पहले 10-10 रुपए के लिए तरसते थे। मेरे पापा ने संत रामपाल जी महाराज से दर्शन लिए और आशीर्वाद दिया संत रामपाल जी महाराज ने। तो पापा ने बताया ऐसे ऐसे परेशानी है घर में, तो संत रामपाल जी महाराज बोले कि भक्ति करते रहो और भगवान सब सही करेंगे। तो पापा घर पे आ गए, फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते हम मेरे को नाम दिलाया पापा ने। 6-7 महीने हो गए मैंने नाम लिया, और फिर धीरे धीरे भक्ति करते करते मैंने और पापा ने ही नाम ले रखा था, घर पे किसी ने नाम नहीं ले रखा था। तो सब विरोध करते थे, तो मैं भक्ति करता रहता था। तो गुरुजी की दया से अब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुधार आ चुका है। मेरे पापा गुटखा खाने लगे, नशा करने लगे, बीड़ी यानी मेरे पापा 3-4 बंडल ऐसे पी जाते थे दिन के। गुटके काफ़ी खा जाते, 50-60 रोज के खा जाते। तो गुटखा खाते खाते मेरे पापा को इस गाल में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम होने के बाद पापा ने जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि कैंसर हो गया है। मेरे पापा से बोले डॉक्टर कि कैंसर हो गया है, अगर इसका इलाज नहीं कराया तो अब ख़त्म हो सकते हो। पापा ने बोला कि ना भगवान जो करेगा सही करेगा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे पापा का कैंसर पूर्ण रूप से बिना किसी दवाई के वो बिना किसी ऑपरेशन के मेरे पापा का कैंसर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया। एक लाभ ये हुआ कि मैं दिल्ली में मुंडका है, मुंडका में सतलोक आश्रम है संत रामपाल जी महाराज जी का, मैं वहाँ पर जा रहा था नजफगढ़ से। तो नजफगढ़ में नांगलो स्टैंड है, नांगलो स्टैंड में मैं झूमते हुए जा रहा था आराम से मगन हो गए। तो वहाँ से पीछे से एकदम से बस आई, बस ने मेरे को इस वाले हाथ में टक्कर मारी। मेरे को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मेरे को टक्कर लग गया, गुरुजी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। मैं थोड़ा सा इधर तो हुआ पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बस ने टक्कर मारी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे बचाया। और एक बार मुझे काल लेने आ गया था ज्योति निरंजन, सेवा में था, सो रहा था। तो किसी भक्त ने बोला कि ना रात के दो बज रहे थे, तो कह रहे कि ना छत से कपड़े लिया। मैं कहा ठीक है, छत पे चला गया मैं कपड़े लेने। छत पे से जो भगत नीचे सो रहे थे वही भगत ऊपर सो रहे थे। मैं चंबित रह गया कि जो भगत नीचे सो रहे हैं वही भगत ऊपर कैसे सो रहे हैं। तो मैंने भगत जी से बोला सच्चा भगत जी नीचे आ जाओ। तो वो भगत जी मेरे को धमकाने लग गए कि तेरे को मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे और तेरे को यहाँ से लेके जाएंगे हम तेरे को। मैं डरने लग गया, मैंने कहा भगत तो ऐसे बोलते नहीं है संत रामपाल जी महाराज जी के। तो मैंने कहा कोई नहीं सोते रहो आप, मैं कपड़े लिए और जैसे ही गेट के अंदर आया, गेट बंद करने लगा, तो एक मोटा सा आदमी था, काला, बहुत लंबा यानी बहुत भयानक था। तो वो लेने आ गया, कह रहा चल तेरा टाइम पूरा हो गया।
मैं रोने लग गया। मैंने कहा कौन सा टाइम, कह रहे तूने इतने तेरे को जीना था। मैंने कहा, मैं रोने लग गया। फिर मैं अपना प्रथम मंत्र जो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मिला था और जो सतनाम, मैं दोनों करने लग गया। जैसे प्रथम मंत्र करा तो उसने कुछ असर नहीं हुआ, मैंने सतनाम जैसे ही किया तो वैसे ही उसने हाथ छोड़ दिया और दूर भाग गया। तो मैं रो रहा था, तो मैं अपने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया। मैंने कहा गुरु जी अब आप ही आके बचाओ। संत रामपाल जी महाराज तुरंत प्रकट होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी मुझे देखते हैं और बोलते हैं क्या हो गया बेटा। मैंने कहा गुरु जी देखना परेशान कर रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि ना अपने पास बुलाते हैं, कह रहे रो मत यहाँ पे, अब मैं आ गया हूँ ना तो गुरु जी मैं रोना चुप हो जाता हूँ। ज्योति निरंजन के यमदूत थे जो मुझे लेने आए थे, संत रामपाल जी महाराज को देखते ही घुटने पर टिक गए और जैसे नीचे सर झुका लिए संत रामपाल जी महाराज जी को देख के। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला इसको परेशान क्यों कर रहे हो, ये कबीर परमात्मा का बच्चा है, तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो। तो वो बोलने लगे कि ना गुरुजी गलती हो गई, परमात्मा गलती हो गई। तो गुरुजी बोले ऐसे थोड़ी ना गलती हो जाती है। तो गुरुजी ने दो दो थप्पड़ लगाए उन्हें और जैसे दो दो थप्पड़ लगते गए ना वैसे वो आगे बढ़ते गए, जैसे लाइन से जैसे कोई आशीर्वाद लेता है वो चले जाते हैं। तो दो दो थप्पड़ लगते गए और आगे बढ़ते गए। तो माफ़ी मांगते गए गुरुजी अब से नहीं होगा, आपके किसी भगत के पास नहीं आएंगे। तो गुरुजी बोले अब से आप ही मत जाना, नहीं तो तुम्हें लोक निकाला दे दूंगा। तो बोले कि ठीक है। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले बेटा ऐसे ऐसी चीज़ों में घबराते नहीं है, अच्छी तरह भक्ति कर। मैं कहा ठीक है गुरुजी अब से ध्यान रखूँगा। गुरुजी बोले ठीक है सतसाहेब। मैं सतसाहेब करी और गुरुजी चले गए। फिर मेरी एकदम से नींद खुली तो मेरे पसीने पसीने हो रहे थे। ऐसे कई लाभ हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। और एक बार क्या हुआ कि ना 10,000 रुपये दिए पापा ने कि रख ले। मैं कहा ठीक है। मैं प्रणाम स्थल पे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की ज्योति करते हैं वहाँ पे रख दिए नीचे ज्योति के नीचे। तो पापा आए थोड़ी देर बाद, एक दो घंटे बाद, करे 5,000 रुपये दे दे। मैं कहा ले लो वो रखे। तो पापा ने ले लिए 5,000 रुपये और रख दिए। मैं कहा ठीक है ले जाओ आप। फिर शाम के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि 5,000 रुपये और दे दे, देने किसी के कमरा किराया देना है। मैं कहा ठीक है ले जाओ। फिर जब मैं 5,000 रुपये गिनता हूँ ना तो वो उतने 10,000 के 10,000 रुपये मिलते हैं मुझे। फिर मैं पापा से पूछता हूँ पापा आपने 10,000 रुपये 5,000 और रुपये रखे हैं क्या। पापा बोले मैंने 1 भी रुपये नहीं रखे यहाँ पे। तो पापा, मैंने कहा गुरु जी रख गए। पापा बोले हाँ भगवान तो कुछ भी कर सकता है। फिर उनसे खर्चा चल गया। और जैसे कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो जब मुंडका आश्रम जाना होता था मुझे तो मैं रोता था। मेरे पे 15 रुपये भी नहीं होते थे। मैं रोता था कि संत रामपाल जी महाराज इतनी बड़ी क्या गलती कर दी कि दाता आपके आश्रम में आने के लिए पैसे नहीं मेरे पास। तो मैं रोने लगता था रात में। जैसे संडे का सत्संग होता था मैं शनिवार को रोता था। तो गुरुजी पैसे दे दो मुझे, मेरे को आना है आश्रम में। तो गुरुजी वो मैं रोते रोते सो जाता था। तो सुबह उठ के जैसे ही देखता मेरे बैग में 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये जितना मेरे को चाहिए होता था उतना मेरे को मेरे बैग में मिल जाया करता। संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया होती थी कि बहुत ज़्यादा हद तक लाभ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। एक लाभ और हुआ संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से। मेरे पापा राजमिस्त्री हैं, चिनाई का काम करते हैं। वो काम कर रहे थे खेड़ा डाबर में, नजफगढ़ में खेड़ा डाबर में काम कर रहे थे। तो पापा चिनाई कर रहे थे तो पता नहीं क्या हुआ, पापा नीचे थे दीवार के, 12 फुट की दीवार थी। पापा नीचे काम कर रहे थे, वो एकदम से क्या होता अचानक वो दीवार गिर जाती पापा के ऊपर। अब वो जितने भी मकान मालिक होते हैं और मिस्त्री होते हैं सब डर जाते हैं कि अभी ये तो ख़त्म हो गया। तो पापा थोड़ी सीट उठाते हैं, मकान मालिक उठाते हैं थोड़ी सीट के, जल्दी जल्दी निकाल लो इसको, ये ख़त्म हो गया अब। तो जैसे थोड़ी सीट ऊपर से उठाते हैं तो पापा अपने आप खड़े हो जाते हैं। तो मालिक देखते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ इसको, तो हाथ पैर चेक करते हैं उस पापा के और बनियान खोल के देखते हैं कि कुछ भी खरोच नहीं आती। तो पापा बोलते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, पूर्ण परमात्मा का बच्चा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो सकता जब तक मेरा गुरुजी मेरे साथ है। ऐसे मेरे पापा को गुरुजी ने कई बार बचाया। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आर्थिक शारीरिक और मानसिक रूप से सुखी हैं। अजय जी जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपके घर में सुखों का भंडार आ गया, आपके पापा की कैंसर की बीमारी ठीक हुई, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। तो जो लोग आज कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस संदेश तो क्या मैं प्रार्थना ही करना चाहता हूँ, जो लोग कैंसर की बीमारी से ग्रस्त हैं और जिनके घर पर हमारे जैसी स्थिति है अभी भी, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करें।
अजय जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा आप ऐसे दे ले सकते हैं, जैसे जिस भी चैनल पे आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग प्रवचन सुन रहे हैं उसके नीचे एक पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर आते हैं, आप उन पे कॉन्टेक्ट करके आपके जो पास में होगा नामदान स्थल, आपको उस नामदान स्थल का नंबर दे दिया जाएगा और अपना नामदान लेकर भक्ति कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद सर। धन्यवाद।